Gezellig, jongens, hè? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो डब्बा है, बहुत ही मज़े की। इसके अंदर कुकीज़ हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, और ये एम्स्टरडम की बहुत ही मशहूर दुकान है फान स्टेपल कुक मकराए। तो जो चीज़ एम्स्टरडम में मशहूर होती है तो वो फिर पूरी दुनिया में भी मशहूर होती है। खैर, ये बहुत ही यहाँ के मशहूर कुकीज़ हैं। इसकी दुकान के बाहर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है और बारी बहुत मुश्किल से आती है। ये चॉकलेट कुकीज़ हैं और इसके अंदर वाइट चॉकलेट भी है, जो कि आप अगर इसको तोड़ते हैं तो वो आपको मेल्ट हुई नज़र आती है और मुँह में डालते ही घुल जाते हैं। काश मैं आप सबको भी खिला सकती, बहुत ही मज़ेदार ये कुकीज़ थे। लो सॉक्स तो मुझे। आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक है, लेकिन ये जो मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये छुट्टियों से पहले की है। तो इस वक्त बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं छोड़कर आई हूँ बच्चों को, नाश्ता कराया अपने काके को और ख़ुद नाश्ता किया, और अभी घर में पूरा मेस फैला हुआ है। इसकी मैंने सफाई करनी है घर की और बर्तन भी धोने हैं, तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। और काका जी भी साथ साथ मेरे मौजूद हैं, वो सोए नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। किचन की जो क्लीनिंग है वो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि जो किचन का एक तरफ का हिस्सा है वो पूरा सारा क्लीन कर देती हूँ। सारे बर्तन वगैरह उठाकर मैं बेसिन की तरफ रख देती हूँ जो धोने वाले होते हैं। तो इस तरह एक हिस्सा आपका क्लीन हो जाता है। और जो क्लीनर है वो मैं DIY, जो घर का क्लीनर होता है वो मैंने खुद बनाया था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। हमारे घरों में माशाल्लाह रोटी पकती है तो खुशका जो है वो तो माशाल्लाह हर जगह ही पहुंचा होता है, हर चीज़ में खुशका पहुंचा होता है। तो पहले इसको साफ़ करना, इसको पहले मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी कपड़े के साथ रफली, और फिर इसके बाद एक और दफ़ा दोबारा साफ़ करूँगी। यहाँ पर मैंने कैंडल जलाई थी तो वो मेल्ट हुई कैंडल गिर गई थी यहाँ पर, तो उसका भी अभी निशान पड़ना था। तो ये देखें, एक तरफ का जो हिस्सा है वो क्लीन हो चुका है और सिवाय वो जो कैंडल मेल्ट हुई गिरी है। खैर, तो इस तरफ मैं कोई भी कुकिंग वगैरह साथ साथ कर सकती हूँ, दूसरी तरफ मैं बर्तन धो लूँगी। तो अब ज़रा दिल थाम के बैठ जाएं मेरी कमज़ोर दिल बहनें, जिनको बर्तन धोना अजाब लगता है। बहुत ही खौफनाक मंज़र आपके सामने आने वाला है। तो देखा आपने, यह है सारा वो अंबार जो कि मैं आपको अभी सिर्फ एक मिनट में सारे बर्तन धो के दिखाऊँगी। सच्ची कह रही हूँ, ये देखें मेरी स्पीड देखें आप। काश के रियल लाइफ में भी ऐसा कोई बटन होता कि जिसको दबाते ही हमारे अंदर भी इतनी स्पीड आ जाती है और इतनी फुर्तीली से हम लोग काम जो है वो कर पाते, खासकर बर्तन धोना। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ बर्तन धोने के हवाले से कि कैसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं बर्तनों को। वैसे तो बड़ी अजीब सी बात है। खैर, मैं यहाँ पर एक घर में गई, किसी मिलने वाले के घर में गई अपने बच्चों के साथ। तो वो गोरे थे, ठीक है, तो मेरे आगे तो उन्होंने जो भी चीज़ रखी खाने पीने की तो वो तो प्लेट्स वगैरह में ही रखी थी, लेकिन जो बच्चों के आगे उन्होंने अपने और मेरे बच्चों के आगे रखी थी वो टिश्यू पेपर के ऊपर रखी थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि देखो कि कम से कम बर्तन भरें तो लोग कैसी कैसी तकनीकें लगाते हैं। खैर, इस तरह की लगा लेनी चाहिए अपने घर में, लेकिन जब कोई मेहमान आए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की तकनीकें लगानी चाहिए। हाँ जी, मैंने लाइट चलाई है। अच्छी लग रही है? नहीं नहीं अच्छी लग रही। तो ये है फाइनल लुक, सफाई का नतीजा। तो अगर किसी को मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि मुझे भी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा होता कुछ भी करने को, लेकिन काम करने वाला पड़ा होता है तो इंसान किसी की भी पाकिस्तानी मॉम की या किसी और की भी वीडियो देखता है, उसे काम करते देखता है, तो चलो कहते हैं चलो हम भी सफाई करते हैं। तो अब मैं फटाफट अपने काके को एक बनाना खिलाऊंगी और उसके बाद मैं अपने लिविंग रूम की अच्छे से तो नहीं खैर फटाफट क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खिलारा ही पड़ा हुआ था, वो उठाओ तो साफ ही साफ होता है। हाँ जी, इधर बैठ जाए, खबरदार आप गंद डाला तो। अच्छा, अब नहीं गंद डालना, ओके।
और ये हैं कुछ बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग पिक्चर्स। काके को मैं यहाँ पर बिज़ी करके मसरूफ़ करके मैं अब जा रही हूँ किचन में। आज मैं पालक गोश्त बनाऊँगी दोपहर को। पालक जो सी थी वो मैंने फ्रोज़न ली है, वो मैंने सुबह ही निकाल के रख ली थी, तो अब मैं वो बनाऊँगी। गोश्त जो सा था वो 5-7 बोटियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो पालक गोश्त, आलू मुझे बहुत पसंद है पालक में, तो वो बना लेती हूँ। तो जो गोश्त है उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक प्याज डाल के और सारे मसाले नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और ज़ीरा ये डाल के रख दिया था ताकि ये पक जाए जब तक मैं फारग हूँ। तो आलू जो से पालक में मुझे इतने भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन होने चाहिए, एक आधा आलू तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया और इसको मैं अब अच्छे से भून लूँगी और फिर इसके अंदर सारी जो पालक है वो ऐड कर दूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सबकी लाइफ में खैरियत ही होगी। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ मसला चल ही रहा होता है। मैं एक बात सोच रही थी कि देखें, सबकी ज़िंदगी में जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ ना कुछ मसला या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल ही रही होती हैं, तो लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग ना मोटिवेशन लेते हैं। कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो मज़हब से, रिलीजन से, नमाज से, कुरान से मोटिवेशन लेते हैं, और दूसरी तरफ क्या होती है कि मोटिवेशन स्पीचेस सुनते हैं या जो कामयाब लोग होते हैं उनको, उनकी ज़िंदगियों को देखकर मोटिवेशन हासिल करते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है, सच्ची बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि हमें और कहाँ से मोटिवेशन मिल सकती है। लाइफ आजकल इतनी फास्ट और इतनी कम्प्लेक्स हो चुकी है कि हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इन दो चीज़ों के अलावा जो मैंने अभी रिलीजन और जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके अलावा अगर कहीं और से मोटिवेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पालक में आलू डाल रही हूँ और फिर कुछ देर के लिए इसको हिलाऊँगी और फिर इसके बाद इसे ढक के पकने रख दूँगी, जबकि दूसरी तरफ मैं चावल बनाऊँगी। मैंने चावलों को पहले भिगो दिया था, तकरीबन आधा पौना घंटा भिगे रहे हैं चावल। पाकिस्तान में तो मुझे याद है पालक में मेथी भी डालते हैं, मेरी अम्मी डालती होती थी। यहाँ पर मेथी को पता नहीं कच्च में क्या कहते हैं, मैंने कभी सर्च भी नहीं किया। तो वैसे मेथी के साथ बहुत मज़ेदार बनती है पालक। तो ये मज़ेदार से पालक आलू गोश्त बन चुके हैं। हरी मिर्चें मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं उनको मिर्चें ना कहीं लग जाएं, क्योंकि पालक भी हरी है और हरी मिर्चें भी हरी होती हैं। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला जो है वो मैं घर में ही बनाती हूँ, होममेड है। तो ये है जनाब फाइनल लुक पालक आलू गोश्त की। बीच में मैंने मक्खन भी ऊपर डाला है, तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको सरसरी सी रेसिपी जो उनसे वो बता दी है। तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से खाना बनाती हैं, पालक आलू गोश्त आप भी कैसे ही बनाती हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये गिफ्ट मैंने अपनी टीचर के लिए लिया है जो मुझे डच सिखाती हैं। एक्चुअली वो कहीं और जा रही हैं, किसी और स्कूल में उनकी जॉब हो गई है, तो वो अब मज़ीद लेसन नहीं देंगी हमें। तो उनका आखिरी दिन था तो सोचा कुछ अच्छा सा उनको गिफ्ट दूँ। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, खोल के तो नहीं, खैर बैग से निकाल के दिखाती हूँ। आगे को हर चीज़ ही टॉफ़ी और लॉलीपॉप ही लगती है और वो कह रहा था कि इसको खोलो, इसको खोलो। ये एक्चुअली एक सरप्राइज़ गिफ्ट पैक है, मतलब कि जब मैं दुकान पे गई तो ये ऐसे ही शॉप, ये बैग के अंदर लटक रहा था। तो मैं जब अंदर देखने की कोशिश कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि ये अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा मतलब कि अगर मैं ख़रीदना चाहूँ, मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं अंदर क्या चीज़ है, तो फिर मैं कैसे किसी को दूँ। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी टीचर को देना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रा देख के देना पड़ेगा। तो तब उसने मुझे कहा चलें ठीक है। तो ये हैंड केयर सेट है और इसके अलावा नाइट क्रीम भी है,
और साथ में लिप ग्लॉस और क्या कहते हैं, लिप बाम वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। जिक्र है एक कोई बच्ची होती थी और उसकी उमा बीमार थी या फिर नानी अम्मी उसकी बीमार थी। अच्छा। वो अब उसकी मम्मी ने कहा था लाओ जंगल में बिस्किट लाओ अपनी नान उमा के लिए। फिर उसको वो जंगल में गई थी। फिर उसके बाद उसको अच्छा लग रहा था। वो धीरन को चॉकलेट दे रही थी और वो सारों को प्यार करती धीरन को। और फिर उसके बाद एकदम एक मोटा सा बड़ा सा वोफ आ गया था। आपको पता वोफ किसको कहते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। वोल्फ जो वुल्फ होता, वुल्फ था। फिर उसके बाद उस डॉग था, वो सोच हाँ, रहा था। मुझे पता चल गया। वो सोच रहा था मैं इस बच्ची को खा लूंगा। लेकिन मगर कैसे, इसको एकदम आइडिया आया था। पहले मैं इसको उसकी नानी अम्मी को खाऊंगा, फिर उसको खाऊंगा, फिर मैं खुद उसकी नानी अम्मी बन जाऊंगा। फिर इसके बाद वो उसके घर जाता है उसकी नानी अम्मी के। फिर इसके बाद उससे कहता उसने कहता कौन हो तुम, दरवाजा तो खोलो। फिर उसकी नानी अम्मी ने दरवाजा खोला था, एकदम बड़ा सा वोल्फ आ गया था। फिर उसको खा लिया था। फिर इसके बाद उसने वो हुडी उसके कपड़े पहन कर ले चुका था उसने, और उसने उसके कपड़े पहन कर ऐनक पहन कर सारा कुछ लेकर लेता हुआ था। और उस वो बच्ची आ गई थी घर में। उसने कहा था टुक टुक टुक। फिर उसके बाद उसने हुडी दरवाजा खोल लिया था उस बच्ची ने। फिर उसके बाद एकदम उसने कहा था आप कैसी हो। फिर उसने कहा था ठीक हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा था उसने एकदम देखा तुम्हारी आँख कितनी बड़ी है। उसने कहा था हाँ ऐसा ही लग रहा है जब मैं बीमार होती हूँ। उसने कहा था तुम्हारी नोज कितनी बड़ी है। इसको उसने कहा था हाँ मैं ऐसे ही लगती हूँ जैसे मैं बीमार होती हूँ। और तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं। फिर उसने कहा था हाँ ऐसे मैं बीमार ही लगती। फिर इसके बाद उसने एकदम दरवाजा बंद किया पीछे से, एकदम कपड़े उतारे। उससे कहा था अब तो मैं खा जाऊंगा करके उसको खा लिया था बच्ची को। फिर कपड़े उतार दिए थे वुल्फ ने, बच्ची भी खा ली। हाँ उसके ओमा भी खा ली। फिर उसके बाद वो सो गया था। फिर एक कोई बंदा आया था उसने कहा था ये कितने इसके अंदर देखता हूँ कौन है। हाँ ये कौन है मगर मैं खोल कर देखता हूँ उसकी बैली में। उसने खोल कर देखा था बैली में सुई डाल कर। अच्छा। नेपन के थी उसकी बैली। फिर इसके बाद उसको कुछ भी नहीं हुआ था वोल्फ को। फिर उसने देखा था एक बच्ची और एक ओमा वो बाहर सारे आ गए थे। फिर उसके बाद उसने कहा था तुम क्या इधर करने आई थी। लेकिन वो फरहान में सारा कुछ होता है। एक्ट? हाँ? अच्छा तो तुम्हारे डैडी आ गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बेटी की छोटी सी प्यारी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी
हाउ टू गेट असाइलम इन नीदरलैंड्स, तो जो जो लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो इसी पर ही बनाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और मेरे चैनल को लाइक करना, नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।